चीन के साथ लद्दाख में जारी तनाव को लेकर अब भारत बिल्कुल भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है। भारत चीन को साफ संदेश दे चुका है कि वो पीछे खिसक जाए, नहीं तो फिर आगे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अब ये गतिरोध ऐसा हो चुका है कि देश की वायु रक्षा व्यवस्था की गहराई की समीक्षा करने के लिए बुधवार से वायुसेना के शीर्ष कमांडरों की कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और इस कॉन्फ्रेंस में सबसे अहम होगा अगले हफ्ते ही भारत को मिलने वाले राफेल विमान की LAC पर तैनाती। इस महीने के अंत तक राफेल विमानों की पहली खेप भारत को मिलने वाली है और चीन से जारी तनाव के बीच अब भारत इसे सीधा चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला ले सकता है। वायुसेना के अधिकारियों के मुताबिक शीर्ष कमांडरों की 22 जुलाई से 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है जिसमें सेना के सभी 7 कमांडर इन चीफ शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य एजेंडा ही पूर्वी लद्दाख के हालात पर चर्चा है। चीन से लगती अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड की सीमा के साथ वायुसेना की ताकत को मजबूत करने के उपायों पर भी व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। LAC चीन से लगती वो सीमा है जिसका अभी तक सटीक निर्धारण नहीं किया जा सका है। सूत्रों के मुताबिक लद्दाख सेक्टर में पहली खेप में लगभग 6 राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात किया जा सकता है। वायुसेना ने अपने आधुनिक बेड़े के मिराज 2000, सुखोई 30 और मिग 29 लड़ाकू विमानों को पहले ही लद्दाख में अग्रिम बेस पर तैनात किया है। ये विमान लगातार चीन और भारत सीमा की निगरानी कर रहे हैं और अब जब राफेल की भी तैनाती यहां हो जाएगी तो निश्चित तौर पर भारतीय सैनिकों को बल मिलेगा और चीनी सैनिकों की हालत खराब होगी।